हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम संदीप जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय जिन्होंने मिखाइल टाल को चेस में हरा रखा है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आएगा, विश्वनाथन आनंद, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक ही गेम खेली गई थी। काफी लेट एज थी मिखाइल टाल की, लेकिन फिर भी जो भी है उसमें विश्वनाथन आनंद विजयी रहे थे। लेकिन उससे पहले, तकरीबन 1 साल पहले, 1987 में भारत के एक और खिलाड़ी देवकी वी प्रसाद का मुकाबला हुआ था मिखाइल टाल से। और फ्रेंड्स, देवकी प्रसाद एकमात्र ऐसे विश्वनाथन आनंद के अलावा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मिखाइल टाल को हरा। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं देवकी प्रसाद के अचीवमेंट्स की, तो वो भी बहुत गजब की हैं। वे सन 1990-91 में और 91 में मीन्स टू टाइम्स इंडियन चेस चैंपियन रह चुके हैं। कॉमनवेल्थ चेस चैंपियन में 1986 में थे। एशियन टीम चेस चैंपियनशिप में मेडलिस्ट 1986-87 और 99 की टीम में रह चुके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं करता हूँ गेम को शुरू, क्योंकि काफी लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया है। और जो मैंने इनकी फोटो लगाई है वो एट प्रेजेंट है, ताकि आपको अगर कभी किसी टूर्नामेंट में खेलते हुए देवकी प्रसाद जी मिल जाएं तो जस्ट उन्हें थैंक्स कहना ना भूलिएगा। वैसे फिलहाल वे इंटरनेशनल मास्टर हैं। तो गेम की शुरुआत यहाँ देवकी प्रसाद ने की थी E4 के साथ, देन सिसिलियन डिफेंस यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। नाइट F3, देन D6, D4, Cxd4, Nxd4, then Nf6 यहाँ ब्लैक ने किया, तो Nc3 ऑब्वियस मूव है। A6 सिसिलियन नेज़ारोव पर ये गेम ट्रांसपोज हो चुकी है। F4, then Nb goes to D7, A4, G6, बिशप D3 स्क्वायर पर, then बिशप G7, नाइट F3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। क्वीन C7, then क्वीन E1 स्क्वायर पर, E5 तो किंग गया H1 स्क्वायर पर, B6 देन क्वीन H4। फ्रेंड्स, इस तरह की गेम मैंने बहुत कम देखी है कि क्वीन डायरेक्ट अटैक में आ जाए। आखिर व्हाइट के गेम प्लान्स क्या है? अगर व्हाइट के गेम प्लान्स की बात करूं, माइट भी यहाँ ये F1 आगे पुश हो, उसके बाद बिशप की एंट्री हो सकती है, शायद कुछ इस तरह के गेम प्लान होंगे। लेकिन बिशप B7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। F takes E5, ओके, मेरी उम्मीद के विपरीत यहाँ से मूव गया। D takes E5, देन बिशप H6, कम से कम बिशप H6 का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। Nh5 स्क्वायर था फोर्सफुली यहाँ मिखाइल टाल के सामने खेल रहे हैं, तो इतना इजी नहीं होगा ना। बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, देन नाइट G5, कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए यहाँ पर मिखाइल टाल ने इस नाइट को पिन कर दिया, यू कैन से दैट। देन नाइट डी गोज टू F6, यहाँ पहले मिखाइल टाल ने किया रुक F3। और अब यहाँ अगर व्हाइट के गेम प्लान देखें तो आखिर हैं क्या। व्हाइट दिखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपने रुक को H3 स्क्वायर पर ले जाकर किसी तरह का कोई पोटेंशियल अटैक बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अभी इस नाइट से जान नहीं छुटने वाली है। यहां इस पॉइंट पर वैसे मेरे ख्याल से अभी मिखाइल टाल H6 कर सकते थे, लेकिन वे मिखाइल टाल करा उन्होंने H6, लेकिन कुछ ही और अंदाज से। उन्होंने यहाँ पहले अपने क्वीन को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्योंकि इनको E7 स्क्वायर पर प्लेस किया, ये भी थोड़ी देर में समझ में आएगा। व्हाइट ने अपने रुक को F1 स्क्वायर पर लिया, देन H6 हुआ। अब नाइट पर अटैक देना, नाइट के लिए जाने के लिए स्क्वायर कौन सा बचा है? H3, और उसके बाद बिशप C8 डायरेक्टली यहाँ इस नाइट पर अटैक है। गेम प्लान बड़ा जबरदस्त है यहाँ मिखाइल टाल। बिशप E2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। व्हाइट क्या करना चाहता है? व्हाइट का इरादा यही है, इस नाइट को एलिमिनेट करना है किसी भी तरह से। लेकिन नाइट D5 यहाँ पर मिखाइल टाल ने देवकी प्रसाद जी का किसी भी प्रकार का, वैसे अटैक इतना ऑब्वियस नहीं था, लेकिन किसी भी प्रकार का अटैक लगने से पहले ही अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। नॉट एग्जैक्टली सेक्रीफाइस नहीं कहेंगे, उन्होंने यहाँ फोर्सफुली कह सकते हैं कनेक्शंस की कोशिश की है, लेकिन देवकी जी ने अभी यहाँ कनेक्शंस न करके अपनी क्वीन को रखा F2 स्क्वायर। देन Nxc3, Rxc3, देन Bxh3 सॉरी। यहाँ पर गेम प्लान जो मिखाइल टाल का था वो बहुत हद तक इम्प्लीमेंट होता था। उनका इरादा यही है कि किंग के कैसल स्ट्रक्चर को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा वीक करवाया जाए। लेकिन यहाँ देवकी जी ने यहाँ बिशप टेक्स H5 किया, देन मिखाइल टाल ने अपने बिशप को वापस लिया, देवकी जी ने अपने बिशप को वापस लिया B5। और यहाँ पर पॉन एक्सचेंज की कोशिश है और किसी तरह का कोई अटैक बनाने की कोशिश है। मेरे ख्याल से यहाँ मैं कोई ब्लंडर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मिखाइल टाल ने यहाँ मामूली सी मिसकैलकुलेशन हुई। पहले तो रुक D1 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन रुक एट F गोज टू C8 आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, रुक टेक्स C8। और अब यहाँ ब्लैक किस तरह से मटेरियल एक्सचेंज करे। यहाँ अगर रुक टेक्स C8 होगा तो व्हाइट यहाँ पहले क्वीन A7 स्क्वायर पर ले जाकर आप देख सकते हैं बिशप को पिन कर सकता है। और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाएं,
क्योंकि बैक रैंक चेकमेट का खतरा अभी व्हाइट के सामने रहने वाला है, तो ब्लैक यहाँ कर सकता है रुक टेक सी टू, लेकिन बिशप पर भी अटैक बनेगा। बिशप अगर हट भी गया देन बिशप बी टेक सी फोर, रुक टेक डी सेवन अगर हो गया, बिशप यहाँ ब्लैक को गंवाना पड़ सकता है। वेल शायद यही वजह रही कि मिखाइल टाल ने पहले बिशप टेक सी एट किया, और ऐसा करने के बाद यहाँ एक पॉन गंवाना पड़ा ब्लैक को। क्यों? ए टेक्स बी फाइव, ए टेक्स बी फाइव देन बिशप टेक्स बी फाइव। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये पॉन जो टेम्परेरी लॉस है शायद आ सकता है वापस, खासकर रुक के ए टू स्क्वायर पर जाने, लेकिन सी थ्री हो जाएगा यहाँ से नहीं। क्विन बी फोर यहाँ पहले मिखाइल टाल ने, क्या उनका इरादा बिल्कुल सही? उन्होंने यहाँ पॉन पर और बिशप दोनों पर अटैक बनाया, लेकिन देव की प्रसाद जी को मौका बहुत अच्छा मिला। उन्होंने यहाँ बिशप को रखा सी सिक्स स्क्वायर पर, उन्होंने यहाँ पहले रुक पर अटैक बनाया, अपने बिशप को भी बचा लिया, तो रुक गया ए सिक्स स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक, तो बिशप रुक एफ वन, और यहाँ रुक के एफ वन स्क्वायर पर आने के बाद डायरेक्टली यू कैन से दैट चेकमेट सीक्वेंस की पूरी तैयारी है एफ फाइव, इसीलिए एफ फाइव पहले किया, देन बिशप डी फाइव स्क्वायर पर। एफ फोर पॉन आगे पुश करना ही है, और अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है, देन सी थ्री, यहाँ पॉन भी बचा लिया गया और क्वीन पर भी अटैक बना। और अब ये क्वीन कहाँ जाए? व्हाट अबाउट दिस बी सिक्स? दैट्स ओके, चलिए छोड़िए, क्वीन एक्सचेंज ऑफर हो सकता था, लेकिन क्वीन एक्सचेंज करने के बाद भी मामूली एडवांटेज यहाँ व्हाइट को रहता, क्योंकि बी और सी फाइल के पासर सपोर्टेड बाय दिस लाइट स्क्वाड बिशप काफी डेंजरस हो सकते थे आने वाले गेम में। क्वीन गई ई सेवन स्क्वायर पर, बी फोर ऑब्वियस है, देन बिशप ई सिक्स। फ्रेंड्स ये बिशप का ई सिक्स स्क्वायर पर आना, ऐसा लगता है कि शायद डी सेवन स्क्वायर भी बुरा नहीं था, क्योंकि व्हाइट का गेम प्लान हमें क्लियर, वो यहाँ अपने स्पॉन को आगे पुश करने वाले हैं। देवकी जी ने यही किया, बी फाइव किया, रुक पर अटैक बना, रुक गया ए थ्री स्क्वायर पर, दूसरे पॉन पर अटैक है, और इसका डिफेंस कैसे किया जाए? क्या यहाँ सी पॉन आगे पुश कर दिया है? मेरी नजर में तो कोई बुरा मूव नहीं है, लेकिन बिशप टेक सी सिक्स, क्वीन टेक सी सिक्स होने के बाद जब क्वीन डिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ क्वीन गई सी फाइव स्क्वायर पर, रुक पर भी अटैक हुआ, अपने सी थ्री पॉन पर भी डिफेंस किया, रुक गई, रुक गया बी थ्री स्क्वायर पर, ताकि एटलीस्ट यहाँ ये बी पॉन और ज्यादा आगे पुश ना हो। बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट अभी भी व्हाइट के सामने है, अभी भी उन्होंने अपने इस पॉन को आगे, एक भी पॉन को आगे पुश नहीं किया। इनफैक्ट रुक ए वन, और रुक के ए वन स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ क्या चेक्स के कुछ, इनफैक्ट मैं कहूंगा चेक मेटिंग थ्रेट बन सकती है, चलिए देखते हैं। एच फाइव ठीक है, एक एस्केपिंग स्क्वायर तो खोलने की कोशिश की है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होने वाला एस्केपिंग स्क्वायर। एच थ्री यहाँ व्हाइट ने किया, देन क्वीन एफ सिक्स, एंड आई थिंक दिस इज द फाइनल मिस्टेक फ्रॉम बाय मिखाइल टाल, क्योंकि यहाँ देवकी प्रसाद जी को अपना लास्ट मूव चलने का मौका मिला। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ उस लास्ट मूव को ढूंढ पाए तो मैं कहूंगा कि बहुत बहुत कमाल का आपका मूव रहेगा। यहाँ पर रुक ए सिक्स पहले व्हाइट ने किया, और उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक किया, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल ने रिजाइन कर दिया। और रेजिग्नेशन की वजह क्या है फ्रेंड्स? वजह ये है कि अगर ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन बचाने की कोशिश की तो या तो रुक गंवाना होगा या फिर उन्हें यहाँ चेकमेट देखनी होगी। चले रुक तो बच ही जाएगा एक चेक देने के बाद, किंग एच टू स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि ब्लैक ने अपनी क्वीन बची फर्स्ट, यू कैन से देन ऑन जी फाइव स्क्वायर, देन रुक ए सेवन चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा? अगर एट रैंक में गया तो अगले मूव में यहाँ चेकमेट आ जाती है, और अगर ये किंग गया एच सिक्स स्क्वायर पर देन क्वीन एफ एट चेक एंड दैट्स अ मेट। तो यहाँ इस पॉइंट से किंग क्वीन कहाँ जाए? अगर क्वीन इस क्वीन के जाने के लिए बचते भी तो एटलीस्ट मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एफ सेवन स्क्वायर तो पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज यहाँ ये क्वीन पिन हो चुकी होगी, तो क्वीन के लिए मेरे नजर में तो बचता है एफ एट स्क्वायर, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होगा? रुक ए सेवन चेक, किंग कहाँ जाएगा? जी एट स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद अगेन क्वीन के सी सेवन स्क्वायर पर जाने के बाद इस चेकमेट का किस तरह से डिफेंस हो सकता है? कोई भी डिफेंस नहीं होगा, कमाल का गेम था फ्रेंड्स, बड़ा सदा हुआ गेम देव देव की प्रसाद जी ने मिखाइल टाल के सामने खेला, कोई बहुत ज्यादा मिस एडवेंचर नहीं, मिखाइल टाल को भी अपना अटैक लगाने का मौका उन्होंने नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें यहाँ ये जीत मिली। और फ्रेंड्स मैं आई मस्ट से वेरी वेरी थैंक्स टू मिस्टर संदीप जी, जिन्होंने इस गेम के बारे में मुझे बताया और वीडियो बनाने के लिए बोला। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये गेम और मेरी प्रेजेंटेशन तीनों ही बहुत पसंद आई होंगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसू को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।